हाय फ्रेंड नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत की खाड़ियों के बारे में। भारत से कितनी खाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं ये हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। भारत में बेसिकली चार खाड़ियाँ हैं। एक तो है बंगाल की खाड़ी, जिससे ये म्यांमार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इससे जुड़ी हुई है और ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ठीक है ना, तीन ओर से, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तीन ओर से गिरा हुआ जल, स्थल से गिरा हुआ जल खाड़ी कहलाता है। ठीक है ना, तो ये बे ऑफ बंगाल है। कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं इससे? एक तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड दो देश हैं, सॉरी तीन देश, एक तो भारत ही है अपना और एक बांग्लादेश है इधर ऊपर और इधर म्यांमार है। ठीक है ना, एंड अब स्टेट रिवाइज कर लेते हैं, कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं। स्टेट में सबसे पहले मैंने बताया था वेस्ट बंगाल है, ये है आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के तट पर दो खाड़ियाँ मिलेंगी आपको, ये है आपका गुजरात का तट, गुजरात का तट, गुजरात के तट में एक मिलेगी गुजरात के बीचों बीच में कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये भी तीनों ओर से जल से घिरी हुई है, एक दो और तीन। ठीक है, तो एक कच्छ की खाड़ी और एक ये है खंबात की खाड़ी। पिछले लेक्चर में मैंने दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली पढ़ाया था। ठीक है ना, तो उसी के बीच में ये गुजरात है और एक इधर ये महाराष्ट्र, तीनों ओर से जल गिरता है, स्थल गिरता है इसको, और ये है खंबात की खाड़ी। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नीचे है ये, यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में ये है मन्नार की खाड़ी। ये श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है, पाक जल संधि। ठीक है ना, जल संधि किसे बोलते हैं? दो जलाशयों को जोड़ने वाली एक पतली जलधारा को जल संधि बोलते हैं। ठीक है ना, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है हिंद महासागर। ठीक है, तो इन दोनों को एक जल का पतला मार्ग जोड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जल संधि। भारत और श्रीलंका के मध्य में जो जल संधि मिलती है उसका नाम रखा गया है पाक जल संधि। तो इसी जल संधि में हमारी मिलती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना, ये मन्नार की खाड़ी है ये। तो आइए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, देखना ये आदम सेतु भी इसी पर स्थित है, ये है आदम सेतु। ठीक है ना, और ये रामेश्वरम है और इसी पर ये स्थित है पम्बन द्वीप, पूछा जाता है कई बार। ठीक है ना, और ये है आपकी मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है ना, तो आपकी चार खाड़ियाँ हो गई। आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इस मैप में रिवाइज करते हैं। यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, एक ना ये बंगाल की खाड़ी, इसके बाद में ये है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी एंड ये है मन्नार की खाड़ी। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।